नमस्कार, हल्का हलचल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम सुबह सुबह आपको आपके हलके में लेकर चलते हैं और जानते हैं कि आपके हलके में आज क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधा ले चलते हैं आपको जहां हमारे संवाददाता रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हलचल आज होने वाली है आपके हलके में। देखिए हिमानी, बताना चाहूंगा, अगर कल शाम तक की बात कीजिए तो रात जो है पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट घोषित हुआ है, सरपंच और पंच जो है रात चुने गए हैं। फतेहाबाद जिले की अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा उत्साह के साथ जो है वोटिंग हुई थी। कल पूरा दिन भर हमारे यहाँ खबर टीवी चैनल के माध्यम से जनता ने भी देखा था कि काफी लंबे अरसे के बाद ये चुनाव हुआ था जिसके अंदर लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और अब की बात जो है सरपंच और पंच कहीं ना कहीं नए चेहरे देखने को जरूर मिल रहे हैं क्योंकि युवा शक्ति की तरफ ज्यादा वोटरों का भी ध्यान कहीं ना कहीं था। फतेहाबाद जिले की अगर गए हैं और 16 सरपंच पहले सर्वसम्मति से जो चुने गए थे 753 पंच चुने गए हैं रात की बात की जाए, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो शाम को जैसे ही वोटिंग हुई तुरंत उसके एक घंटे बाद जो निकाल दिया गया था। तो पंचायती चुनाव के ऊपर जो है पूरी नजर थी लोगों की और वो जो है कल संपन्न हुए। तो अभी आज की बात की जाए तो जगह जगह जो सरपंचों के घर पे जो है माहौल अभी तक भी बना हुआ है और अब उनको जो है तुरंत जैसे सरकार की जो प्रक्रिया रहेगी उनको सबसे दिलाई जाएंगी, गांव के विकास होंगे, गांव को नए सरपंच उम्मीदवार मिले हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जनता के बीच ये जो है रात मिला है। उसके बीच अभी सभी फतेहाबाद वासियों के लिए खुशी की बात है क्योंकि काफी लंबे अरसे तक जो है हिमानी फतेहाबाद के विकास कार्य ठप थे, काम नहीं हो रहे थे क्योंकि सरकारी अधिकारियों के हाथ में कमान थी गांव की। तो अब काफी अच्छा उत्साह लोगों के अंदर देखा जा सकता है। और बात करूं तो फतेहाबाद के अंदर डेंगू के जो मामले हैं वो भी ठीक ठाक है, अभी तक कंट्रोल में है सिस्टम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। तो प्रशासन अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, फतेहाबाद के अंदर अभी मौके की जो हालात है वो सुख शांति बनी हुई है। हिमानी जी बिल्कुल, हमारे साथ लाजपत भी सोनीपत से जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आज आपके हलके में हलचल होने वाली है। तो लाजपत, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो दोबारा से राकेश के पास जाना चाहूंगी। रमेश, आपने बताया कि पंचायत चुनाव कल कराए गए, तो मैं जानना चाहूंगी कि कितने प्रतिशत बिल्कुल फतेहाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। यहां पर जो है लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बहुत अच्छी वोटिंग हुई, काफी लोगों के अंदर उत्साह देखा गया था। आज की अगर मैं बात करूं हल्का हलचल में हमारा जो हल्के की खास खबरें ये भी रहने वाली हैं कि कल सुबह जो है जिला परिषद और ब्लॉक समिति का रिजल्ट जो निकाला जाएगा उसको लेकर के जो हमारा प्रशासन है वो अलर्ट है। आज ही जो है 9 बजे फिर जो है जिला परिषद ब्लॉक समिति को जो है बुलाया गया है, उनकी मीटिंग एक ली जाएगी, उसके अंदर उनको जो गाइडलाइन देनी है, उनके आई कार्ड जारी किए जाएंगे। हिमानी तो आज का दिन शेष है, कल सुबह जो है ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव जो हुआ था उसका रिजल्ट भी कल ही सुबह आना है क्योंकि छोटी सरकार जो चुनी जानी है जिसके अंदर पंचायत समिति के जो है ये जो सदस्य हैं सरपंच हैं मेंबर हैं जिला परिषद है, यहाँ से सभी जो है ये कैंडिडेट जो है अब जैसे चुने गए हैं ऐसे ही मिलकर के है जो है गांव के विकास होंगे, गांव के अंदर जो है व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी है बहुत सारी सेट होगी। तो ये एक इंतजार की घड़ियां, एक रात जैसे सरपंच और पंचों की जो समाप्त हुई है इसी प्रकार ब्लॉक समिति और जिला परिषद के इंतजार की घड़ियां भी जो है आज का दिन और आज की रात शेष है। कल सुबह जो है उनका 27 नवंबर को कल उनका रिजल्ट जो है निकाल दिया जाएगा और वो जो सभी के सामने होगा। तो ये और एक इंतजार बना हुआ है कैंडिडेटों के अंदर, उनके वर्कर सपोर्टर लगातार जो है आज का दिन उनके लिए बड़ा अहम रहेगा और प्रशासन भी सुरक्षा चौकसी की अगर मैं बात करूं तो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं फतेहाबाद के अंदर, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है, प्रशासन अलर्ट रहा है, पुलिस विभाग एसपी आस्था मोदी 7 DSP तैनात थे, भारी पुलिस बल के साथ जो है सभी ने कमान संभाली और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव फतेहाबाद में हुए हैं। हिमानी
उत्पन्न हो गए हैं। अब साथ ही अगर हम बात करें मौसम की, तो किस तरह का मौसम फतेहाबाद में बना हुआ है? देखिए, मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है बिजाई का समय चल रहा है, और अभी मौसम जो है कृषि विभाग मौसम विज्ञान केंद्र इशार से जो मैसेज बार बार जारी होते हैं, हमारे यहाँ फतेहाबाद जिले की बात करूं तो मौसम विभाग के जो है डॉक्टर साहब ने जो है यहाँ ग्रुप मदन सिंह खिचड़ हैं, उन्होंने ग्रुप यहाँ पर बना रखे हैं, किसानों को लगातार वो फसलों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। लगातार जो है मौसम विभाग जैसे ही चेंज होता है, बारिश की संभावना होती है तो बता दिया। अभी मौसम फिलहाल खुश चल रहा है, ठीक चल रहा है, और किसानों के लिए ये अच्छी बात है क्योंकि अभी नरमा जो है चुगाई का, कपास चुगाई का समय हमारा जो राजस्थान से लगता ये एरिया है, यहाँ कपास, नरमा, गवार, बाजरा ये चीजें ज्यादा होती है, तो उसको लेकर के सभी ने जो है शांतिपूर्ण ढंग से किसानों की फसलें लगभग कवर हो चुकी हैं, गेहूं बिजाई चल रही है, सरसों बिजाई चल रही है, तो मौसम ठीक है और लगातार किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है क्योंकि फसलें लगातार उन्होंने समेट ली है खेतों से और बिजाई भी लगातार जारी है। हिमानी जी, बिल्कुल, आपने बात करी डेंगू की, तो डेंगू के मामले किस तरह से सामने आ रहे हैं फतेहाबाद में और प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा हिमानी, फतेहाबाद की बात की जाए तो 150 के करीब जो आंकड़े डेंगू के थे, केस थे, जिसके अंदर सभी जो है घरों के अंदर ही जो है मरीज हैं उनको वहां पर ट्रीटमेंट जैसा भी है दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है पूरा, हमारी जो है नोडल अधिकारी हैं मनीष टुटेजा, उनसे संपर्क हमारा है, फतेहाबाद कंट्रोल रूम से हम जानकारी लगातार लेते रहते हैं कि जहां फॉगिंग करवाना है, कहीं जरूरी दिशा निर्देश डेंगू के लिए जो बताए गए हैं, पानी का ठहराव न हो, जो CMO है फतेहाबाद के कमान संभाले हुए हैं, लगातार प्रयासरत है स्वास्थ्य विभाग, पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए, कहीं पानी के गड्ढे हैं उनके अंदर जो है मिट्टी का तेल डाल दिया जाए या फिर कोई ऐसी चीजें हैं रेत डाल दी जाए, और जो इंसानों के लिए जो है जी बिल्कुल। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़ चुके हैं सोनीपत से, उनसे जानना चाहूंगी कि आपके हलके में आज क्या कुछ हलचल होने वाली है। बिल्कुल, देखिए पंच और सरपंच के जब से चुनाव हुए सिर्फ एक ही चर्चा दिखाई देती है कि आखिर गांव ने तो मोहर लगा दी है लेकिन अब सरकार कब मोहर लगाएगी, क्योंकि काफी बड़ी बात है कि जो विकास हो रहा है वो तभी हो पाएगा जब सरकार उसमें सहयोग कर पाएगी। जी बिल्कुल, ये जानना चाहूंगी कि पंच और सरपंच के चुनाव हुए तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव जो था वो भाईचारे का चुनाव था, ये काफी बड़ा चुनाव था क्योंकि जो गांव का विकास होता है वो पंच और सरपंच से ही होता है, क्योंकि जो 8 साल का जो समय बीता जो पंचायती चुनाव ना हुए ये सबसे बड़ी बात थी और गांव में चर्चा यही रहती थी और सरकार को भी कहीं ना कहीं इसीलिए पंचायत और पंच और सरपंच की जो इंतजार जो 8 साल का यही किया कि अधिकारी जो है सरकारी अधिकारी कितना काम कर पाते हैं, सरकारी कर्मचारी अपना धर्म नहीं निभा पाए, काम नहीं कर पाए, तो पंचायती चुनाव सरकार को करवाना पड़ा ताकि विकास की गति जो है वो दोबारा से जो हरियाणा में दोबारा से दिखाई दे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेवारी थी 8 साल तक जो विकास नहीं हो पाया किसी भी गाँव में, कोई भी आप अगर गांव की बात करें तो जैसे 3 बड़ी समस्या है, अगर समय रहते जो सरकारी कर्मचारी धर्मों को निभा पाते तो पंचायती चुनाव की सरकार भी इस पर विचार जो 8 साल तक किया, तो यही सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि पंचायती चुनाव जरूरी है क्योंकि भाईचारा जो कायम होता है गांव के छोटे मोटी बातें होती है गांव में ही सिमट जाती है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही, नमस्कार।